So reason for doing this webinar at late night is कि during market hour मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ निफ्टी और बैंक निफ्टी को, एंड बट फिर भी मैं कोशिश तो करता ही हूँ कि जितना हो सके आपको बता ही दूँ। तो पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी हुआ क्या और उसके आगे, जैसे मैं इतने दिन से आप लोगों को वो बता नहीं पा रहा हूँ कि इंडेक्स महंगा है सस्ता है, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। तो मेरा समझना ये है कि किसी भी चीज को आप अच्छे से समझने के लिए पहले तो उसके पास्ट में जाना पड़ता है। जैसे मैं बात करूंगा अगर कि मान लो निफ्टी सस्ती है या महंगी है, तो पहले मेरे को ये जानना है कि प्री कोविड क्या चल रहा था इंडियन इकोनॉमी में, फिर कोविड के टाइम में क्या हुआ, और फिर उसके बाद अभी क्या हो रहा है, और इसके आगे की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो मेरा मान हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि किसी भी चीज को समझने से पहले ये तीन चार चीजें, जैसे होता है ना, हिस्ट्री जानिए आप, फिर उसके बाद जानिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और उसके बाद उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए कि आगे क्या होता है। सेम अप्रोच गोज विथ टेक्निकल एनालिसिस, और फिर हम तभी जाके मुझे लगता है कि बेस अच्छा बन पाता है आपको, और तब आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो। कॉन्फिडेंट पैसों से नहीं, कॉन्फिडेंस आता है आपके अपने अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से और नॉलेज से, और फिर तो पैसे एक एडेड चेरी है उसपे। तो यहाँ पे देखो, जब हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पहले क्या हुआ था। वो पहले क्या हुआ था को मैं ऐसे बोलता हूँ कि पहले आप समा बांधने की कोशिश करिए कि आखिर हो क्या रहा था, उसके बाद समझेंगे कि अभी क्या हो रहा है, और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है आगे। तो आप इस ये पकड़ लो, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट उठाते हैं, निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी को एनालाइज करने से पहले इंडियन इकोनॉमी को क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ये बात आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इंडिया नेट इम्पोर्टर है क्रूड का, और फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा एक पोर्शन जाता है क्रूड को। मैं थोड़ा टीए को एक और लॉजिक से जोड़ रहा हूँ क्रूड से, तो जो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ये देखो आप, क्रूड इधर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और पिछले 3 4 दिनों से आपका इंडियन मार्केट काफी वॉलेटाइल चल रहा है, गिर नहीं रहा है, वॉलेटाइल चल रहा है। तो मैं अब जो दो तीन पॉइंट्स को जोड़ूंगा आगे चल के, वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, क्रूड आ गया है, आने वाला है आज कल में, आज नहीं तो कल मान लो, यहाँ पे इस लेवल पे आने वाला है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि 2018 के बाद इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर रहा है, और वन साइडेड वर्टिकल रैली आई है। तो माय अजम्पशन इज कि फर्स्ट क्रूड शुड कम हियर एंड शुड टेस्ट दिस ब्रेकआउट जोन, अगर ये स्ट्रांग है तो इस ब्रेकआउट जोन को टेस्ट करना चाहिए। तो जब क्रूड गिरेगा तो ये निफ्टी को एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, हालांकि ये सब शॉर्ट टर्म जोड़ रहा हूँ मैं, बट इतना कोई जरूरत नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ निफ्टी देख कर चार्ट देख के सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो चलो इसके बाद मैं क्रूड का आपको दिखा, इसके बाद निफ्टी पे आते हैं। तो अब ये रहा निफ्टी, सबसे पहले तो देखेंगे आखिर चल क्या रहा है इतने दिनों से। तो जो हमने देखा कि ये था आपको बजट के बाद का, बजट वाला कैंडल, वीकली कैंडल, जो आपको ये सारे लेवल्स याद हो जाने चाहिए। इस अप मूव के बाद हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था, यहाँ पे बॉटम बना था, ये 61.8% रिट्रेसमेंट था इस इंटायर अप मूव का। उसके बाद आपका ब्रेकआउट आया कहाँ, ब्रेकआउट आया आपका इस लेवल पे, ये डेली कैंडल है, ये देखो आप, इस लेवल पे ब्रेकआउट आया, ये जो आपका लेवल था, ये देखिए आप, यहाँ पे टेस्ट हुआ था, यहाँ 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 यहाँ, फिर ये फेक आउट 1 मिनट के लिए, ये फिर ऊपर गया फेक आउट। तो एक्चुअल जो ब्रेकआउट जोन था आपका, ये था जिसको ऊपर तोड़ के गया इन सब के ऊपर, और फिर रिटेस्ट किया, और फिर यहाँ से जो गैप हुआ एकदम वन साइडेड रैली चली। उस रैली चलने से पहले के बाद जो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आया आपको, और जो मेजर लाइफ टाइम हाई आपका कटा, ये था बजट वाला कैंडल, बजट वाला हाई, उसको तोड़ा इसने गैप से। आप देखो ये गैप हुआ था, ये गैप है, और गैप से तोड़ा उसको, फिर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। तो कायदे से अगर आप देखोगे तो ये जो बजट वाला कैंडल का हाई है, ये मोर और लेस कल टेस्ट हुआ था,
कल की बात है, नहीं कल नहीं, फ्राइडे को टेस्ट हुआ था, और यहाँ से प्राइस बहुत तगड़ा सर्च किया। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो टॉप था ये काफी इम्पोर्टेंट लेवल हुआ है। और पहले तो ये हमें समझ में आया ये इम्पोर्टेंट लेवल है, बट ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो हम ज्यादा कंफर्टेबल होते, बट कोई नहीं, ये हमें क्लियर हो गया कि यहाँ से बुल्स का काफी अच्छा कमांड था। तो फ्राइडे को तो ये क्लियर हुआ था, लेकिन एक सेंस ऑफ कंफर्मेशन और स्ट्रेंथ की जो बात थी वो आज बुल्स ने आपको दिखा दिया। कैसे दिखाया? अगर आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करोगे तो ये था आपको ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। एक बहुत परफेक्ट हैमर बना है आफ्टर अ पुल बैक, बहुत ही परफेक्ट हैमर बना है, और उतने करने की जरूरत ही नहीं, आपको इस कैंडल से समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा स्ट्रांग कैंडल है। अगर वीक होता तो इसको तोड़ देता नीचे आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रिट्रेसमेंट का भी खेल। रिट्रेसमेंट क्या कहता है? रिट्रेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप पहले समझो रिट्रेसमेंट, देखते हैं कि आखिर ये यहाँ ये जो पुल बैक आया था शॉर्ट टर्म ये कितना परसेंट रिट्रेस किया था। तो अब इसको हम लोग ऐसे पहले ये कंफ्यूजन होगा आपके मन में कि इसको लो लूं या इसको लो लूं या इसको लो लेना चाहिए। तो देखिए इसको तो लेंगे नहीं, हमारा अप मूव की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो अब आपके मन में ये एक जायज कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे या इसे। तो इसका मैंने बहुत सिंपल सा जो लास्ट वीडियो में बताया है कि दिस इज वेरी इजी। आपको जब भी कंफ्यूजन आए तो दो पॉइंट के बीच का आप रिट्रेसमेंट निकालो और देखो कि कितना परसेंट रिट्रेस हुआ है। तो ये जो रिट्रेसमेंट था ये 0.38 के पास ही रुक गई थी। तो हम बोलेंगे कि यार ये कोई, ये फिर हम मानेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये कुछ रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी रिट्रेसमेंट 0.23 और 0.38 के बीच का हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ 0.5 तक आ जाए तो फिर हम उसको नया लो मान लेते कि ये अपना नया लो है। तो मैं यहीं से रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करूंगा जो आपको 0.38 भी रिट्रेस नहीं किया और प्राइस पलट गया। तो इससे क्या मतलब आपको बनता है? पहला तो दिख रहा है कि 0.38 आया भी नहीं और प्राइस पलट गया, और हुआ क्या, ऐसे देखो, और हुआ क्या कि ये जो 0.23 के नीचे आया था इसके ऊपर फिर से वापस चला गया। तो मतलब ये क्लियर है कि प्राइस अभी रुकने को तैयार नहीं है। प्राइस एक्शन यही कह रहा है कि वेरी स्ट्रांग, प्राइस इज वेरी स्ट्रांग एज ऑफ नाउ। तो ये एक हो गया, ये आपको दिख रहा है कि स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। अब उसके बाद ये डेली चार्ट था, अब इसे ब्रेक करके आते हैं धीरे धीरे, मैं टाइम फ्रेम छोटा करता जाऊंगा और आप फिर उसको एनालिसिस जो करते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। तो अब जब मैंने टाइम फ्रेम छोटा किया तो पहले मैं सारे टूल्स हटाता हूँ, और ये देखो आप जो अपना ब्रेकडाउन लेवल था ये था, प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल ये था अपना, यहाँ पे देखो, और इस कैंडल के टॉप को मैं इस कैंडल के टॉप को मैं काफी इंपॉर्टेंट बियर का कंट्रोल पॉइंट मानता हूँ। जहाँ आप देखो कैंडल कितना मतलब मैसिव बना है और ट्रिमेंडस सेल ऑफ आया था, और ये आपको यहाँ से पुल बैक आया था, नीचे आया, फिर ऊपर गैप अप खुला और वन कैंडल में ही पूरा सब कुछ तोड़ दिया। तो एक जो आप देखोगे छोटा सा ये हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश किया, नीचे तोड़ा, लेकिन फिर अगले ही दिन ऊपर आ गया। तो जस्ट अभी रेज हैंड बाद में कर लेना आप लोग। तो ये यहाँ पे फिर आज क्या हुआ, फिर प्राइस यहीं आके रुक गया, और जो हमने दिन में बात की थी हमने इस दो कैंडल को ब्लेंड करके यही समझाया आपको कि देखो एक तो हैमर बना, उसके बाद फिर एक डोजी बना, एक पुल बैक के बाद हैमर और डोजी बन रहा है, मतलब उसका क्या आप वो निकालोगे निष्कर्ष कि प्राइस नीचे तो जाने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, देखते हैं सिमिलरली हैमर और डोजी कहाँ और बनाया, अगर देखें थोड़ा, मैंने ब्लेंड करके आपको दिखाया हैमर और डोजी बनाया है, तो आपको एक और दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने इवनिंग में ही देखा था,
कि हैमर और डोजी बना था और उसके बाद फिर प्राइस काफी तेज ऊपर गया था। खैर दिख नहीं रहा है तो वापस 75 नट पे ही आते हैं। तो ये दिन में हमें मार्केट आर में ये समझ में आ गया था कि हमारा स्टॉप लॉस तो क्लियर है और ट्रेंड ऊपर है और प्राइस इसके ऊपर आ ही रहा था, ऑलमोस्ट आ ही चुका था। तो जैसे ही इसके ऊपर आएगा हमें लॉन्ग चले जाना अपने डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ, और आपने देखा कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब बाय सीइंग दिस प्राइस एक्शन, ये तो क्लियर है कि ये वाला लेवल यहाँ बुल्स ने फाइनली इस जोन के ऊपर एकदम हाई के आसपास क्लोजिंग दे दी है, विच सेज कि बुल्स ने अपना कमांड वापस ले लिया है। एक तो आपका इस जोन को बहुत अच्छे से डिफेंड किया, बियर्स ने इसको डिफेंड नहीं कर पाया, बुल ने इसे अच्छे से तोड़ दिया, और बियर इसको जो डिफेंड कर रहे थे बुल्स ने फिर से इस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अगर आप किसी भी तरह का ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो आज काफी ज्यादा सिग्नल था आपको बाय का, यहाँ पे एक सिग्नल मिला, फिर जैसे मैंने बोला था इधर बाय करेंगे हम लोग और इसके ऊपर पिरामिडिंग करेंगे, तो मैंने एक पिरामिडिंग तो यहाँ की है, दूसरा पिरामिडिंग जो मुझे करना है मैं करूँगा इसके इस गैप इसके ऊपर अगर प्राइस खुलेगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिरामिड। अब ये पिरामिड मैं कर तो रहा हूँ, टारगेट क्या होगा? अगर मेरे पास कुछ डिफाइंड टारगेट है तभी तो मैं इतने जोश में लॉन्ग किए जा रहा हूँ जो। और पहला बात तो दो चीजें होनी चाहिए, एक डिफाइंड टारगेट और एक डिफाइंड स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो आपको दिखाई दिया, अब जो मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है ये 15,600, मतलब मेरा स्टॉप लॉस पहले ये था, अब मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लो हो जाएगा 15,640, 650, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे, विच इज फेयर इन निफ्टी। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर मेरे को स्विंग देता जाएगा मेरा स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। और आप देखो अभी तो यहाँ पे मैंने रिट्रेस करके आपको दिखाया कि कितना ज्यादा स्ट्रेंथ बुल्स का है, और करेक्शन अभी ये जो मामूली सा करेक्शन हुआ था इसको हम करेक्शन बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं था ये क्योंकि ये तो 0.38 के आसपास ही आके रुक गया। तो अब जो अगर आप ट्रेंड लाइन ऐसे प्लॉट करोगे तो आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करके देखोगे कि यार यहाँ पे कहीं आता है लेवल, ये 16,000 के आसपास आता है। अगर मान लो इस यहाँ पे एक कैंडल बना और यहाँ तो 16,000 के आसपास इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आता है। अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड है नहीं वैलिड है, ये भी एक क्वेश्चन आता है बहुतों के मन में कि सर ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो कोई भी ट्रेंड लाइन वैलिड है या नहीं वैलिड है उसका एक सिंपल सा रूल होता है। आप देखो मैंने तो इस टॉप को और इस टॉप को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाया, ऐसे में दिखाता हूँ। मैंने एक रे लिया मैग्नेट, इसको ऑन किया, यहाँ इसको ऐसे टच किया और अब इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने इस दो पॉइंट को टच किया, आगे के जो पॉइंट है प्राइस अपने आप इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आया, इधर भी आया है यहाँ भी आया है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि प्राइस जो अगर इधर आएगा, क्योंकि हमने दो पॉइंट को टच किया प्राइस उसके बाद अपने आप इसको टच करके नीचे आता है, इट मींस इसकी रेलिवेंस इसका रेलिवेंस है इस ट्रेंड लाइन का। तो जो मेरे को विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस दिखता है, ये दिखता है यहाँ कहीं दिखता है, जब यहाँ से जो प्राइस चलेगा ये दिख रहा है मेरे को। अब दूसरा वे क्या है ये तो एक वे हो गया, ट्रेंड लाइन से मैंने अपना टारगेट ढूंढने की कोशिश की। दूसरा वे मैं जो देखूंगा कि वो ऐसे देखने की कोशिश करता हूँ कि ये अपना बहुत बड़ा, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, इस सिर्फ इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस कैंडल की। और आप देखो उस कैंडल पे रेजिस्टेंस कितने हैं, इधर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, इस कैंडल पे काफी रेजिस्टेंस थे और इस कैंडल का जो हाइट था एटलीस्ट बुल्स विल ट्राई टू, मतलब ये लॉजिक है, ये कोई टेक्स्ट बुक वो नहीं है, बट मैं एक सोच एक होता है ना लेमैन की तरफ बुल्स की वो एक आपको एक सिंपल एक कॉमन सेंस की बात मैं बता रहा हूँ, कम से कम 200 पॉइंट का तो अप मूव आना ही चाहिए यहाँ से। तो अगर मैं इसको 200 पॉइंट मानता हूँ तो ऑलमोस्ट इधर ही कहीं आता है, 16,000 के आसपास ही आएगा, 240 आता है ये तो ये भी मेरे को क्लियर है कि
मैं 16,000 के टारगेट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने तरीके से दिख रहा है कि यार 16,000 तो आना ही चाहिए। तो दूसरा भी मेरे को दिखता है यार ये 16,000 आना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये मरियल सा रेजिस्टेंस है, इसका कोई सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा है। अब तीसरा देखते हैं कि यार बुल्स के हाथ में वाकई बॉल आ गया है कि नहीं, तो एक बार रिट्रेसमेंट भी देखते हैं। प्राइस आज किसके ऊपर क्लोज हुआ फाइनली आप देखो, ये बंद हुआ 61.8% के ऊपर, बहुत अच्छे से बंद हुआ। तो ये भी एक सिग्निफाई करता है कि भाई बॉल तो बुल्स के हाथ में ही है। अब एक तीसरा वे जो है कि मेरे को देखना है कि फिबोनाची एक्सटेंशन से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अपसाइड में और क्या-क्या लेवल्स आ सकते हैं। तो हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे अपना, एक मिनट यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हम लोग लेंगे, मैंने दिखाया कि इसको लेंगे अपना लो, ना कि इसको। तो मैं अब रिट्रेसमेंट निकालने की कोशिश करता हूँ इस इंटायर अप मूव का। ऐसे अगर हम लोग कोशिश करें तो हमारे पास जो एक लेवल निकल के आता है 0.50 जो आता है, वो भी आएगा आपको कहीं ना कहीं 16,000 के ऊपर ही आता है। तो ये सारे फैक्टर तो ये मेरे को क्लियर करते हैं, जो सिग्नल देता है कि देखो भाई 16,000 तो मैं आ ही रहा हूँ निफ्टी कम से कम। तीसरा, और अपना डाउ थ्योरी का अकॉर्डिंग जो टॉप टूटा था वो टॉप यहाँ पे था लाइन चार्ट पे, ये था अपना टॉप। अभी तक प्राइस उसको तोड़ने के बाद कितना परसेंट चला है, जस्ट 4%। हिस्टोरिकली आप मेरा जाके ट्वीट देखो, हिस्टोरिकली कितना परसेंट चला है, मिनिमम मिनिमम 25% चल रहा है। और अगर आप पिछले 20 साल के देखोगे तो 15 से 20% के यूजुअली मूव आते ही आते हैं। तो अगर हम वो बेस्ट केस, वो तो खैर सेकेंडरी पॉइंट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मेरे को ये क्लियर है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि वी आर गोइंग टू सी 16,000 लेवल। वो हो सकता है अगले 2 दिन में आ जाए, वो हो सकता है आपको एक अब डिप डिप तो आया ना अमित जी, डिप तो भी आ गया। अब डिप कितना है, अब डिप थोड़ी बता के आएगा मुझे या आपको, किसी को भी नहीं बता के आएगा। देखिए मार्केट में डिप बता के नहीं आएगा, लेकिन जब डिप आएगा तो आपको एज ए ट्रेडर हिम्मत करके बाय करना है लेवल्स ढूंढ के। तो इतने सारे चीजों को देखने के बाद, ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने फ्राइडे को देख लिया था, एज्यूम कर लिया था, तभी जाके इतने कंफर्टेबली लॉन्ग हम लोग कर रहे थे। और कल रात भी जब हमने क्लब हाउस किया था तो उसमें भी मैंने यही बोला था कि एक लाइन बोली थी जो मुझे अच्छे से याद है कि आप एसजीएस वैक्सजीएस को 1 मिनट के लिए हटाओ और ये सोचो कि फ्राइडे को आपको कैंडलस्टिक ने क्या सिग्नल दिया था। तो फ्राइडे को कैंडल स्टिक ने सिग्नल दिया था कि मैं यहाँ से पलट रहा हूँ। तो मंडे को हमें क्या करना है, हमें कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। जब तक प्राइस इसके मतलब यहाँ से सस्टेन करेगा तो देर इज ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी की ऊपर जाने की, और वही आज हुआ। और हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमें एकदम बॉटम पे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे हमने कैंडल स्टिक का जब ये फर्स्ट कैंडल बन गया तो 15,590 के आसपास एक क्लैरिटी आ गई थी थोड़ी थोड़ी कि अब बुल्स के खेमे में बॉल जा रही है। और जब जैसे ही इस लेवल को तोड़ा तब तो बहुत ही क्लियर था कि दिस इज बुल्स, यहाँ से आप देखो 100 पॉइंट का इंट्राडे मूव आया। खैर ये हो गया निफ्टी, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर फटाफट से। बैंक निफ्टी तो आई वुड से दिस टाइम बैंक निफ्टी वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ट्रेड, और मतलब इससे इजी कुछ था नहीं। देखो आप लोगों को याद होगा लास्ट जो ड्यूरिंग मार्केट आर हमने वेबिनार की थी इस दिन फ्राइडे को, उस पर हमने फोकस इसी पे दिया था। पहली बात तो ये लेवल क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, ये लेवल इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि यही आपका ब्रेकआउट लेवल था इतने दिनों के जोन का, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकआउट लेवल था, तो ये जो प्राइस इधर से ऐसे आया था ये रीटेस्ट था आपका, बखूबी रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट फ्राइडे को हुआ और आज रीटेस्ट का भी रीटेस्ट हो गया।
कि क्या ये वाकई में रिटेस्ट है या फिर एक नॉर्मल सा उस दिन किसी न्यूज के कारण उठा। ये भी मैंने कल क्लब हाउस में रात में बोला था कि कभी बहुत बार क्या होता है कि जब सडन मूव आता है ना, तो अगले दो दो तीन दिन बाद फिर से रिटेस्ट करता है प्राइस। जैसे देखो, यहाँ से एक सर्ज आया था लेकिन फिर रिटेस्ट हुआ, यहाँ से एक सर्ज आया था लेकिन फिर एक रिटेस्ट हुआ। जब बहुत बड़ा मूव देना होता है ना, तो इसी तरह होता है। मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। जैसे यहां से ऊपर चला, यहाँ पे फिर तुरंत झटके में निकाला, निकाल फेंका। यहाँ से देखो, एक ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर। तो ये मार्केट का बहुत ही कॉमन ट्रेट है, या आप उसको कैरेक्टरिस्टिक या बहुत ही खूबी बता लो, कि वीक हैंड्स को इसी तरह निकालते हैं। यहाँ पे कितने लोग, एक तो कितने लोगों की रात की नींद उड़ गई होगी, और कितने लोग यहाँ से मार्केट से आउट हो चुके होंगे आज सुबह और पैनिक में गलतियां कर चुके होंगे। तो आप देखो, आज भी एग्जैक्टली वही खुला और नीचे नहीं गया। सबसे मजेदार बात तो ये है, तो आपको तो यहाँ पे एकदम क्लियर सिग्नल था कि भाई मेरे को तो यहाँ बाय कर लेना है। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हम लोग बार 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 अपने ग्रुप में बोल रहे हैं कि दिस इंटायर फॉल का 61। एक मिनट रुकना, एक मिनट भाई साहब, मेरा फोन लग। एक मिनट, तो ये इंटायर डाउन मूव का 61.8% लेवल जो आपका, सॉरी, क्या लेवल है यार, गलत देख रहा हूँ क्या मैं? हाँ, ये इंटायर डाउन मूव का 0.5% जो लेवल आपका आ रहा था, 34,000 आ रहा था, जहां पे आपका ब्रेकआउट पॉइंट भी बना था। तो ये लेवल तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, कि इसका टूटना थोड़ा मुश्किल था, जो प्राइस ने आपको दिखा भी दिया कि वो नहीं टूटा फाइनली। अब ये क्लियर हो गया, तो 34,000 के पुट्स भी आप काफी सेल कर सकते थे, और 34,000 नहीं तो 33,500 के तो काफी अग्रेसिवली सेल कर सकते थे, जो आज हमने तो काफी किया है। अब देखो, बैंक निफ्टी में सपोर्ट तो पता चल गया, और कितने फैक्टर हैं जिससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ कहाँ जा सकता है। तो एक तो हम लोग ये देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हॉबी है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। और बट मैं ये बोलूंगा, ट्रेंड लाइन इतने रिलायबल होते नहीं है, फिर भी ट्रेंड लाइन हमने एक ड्रॉ कर लिया, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है 35,476। अब सेम टाइम पे 35,476 दिख तो रहा है, ये भी देखो यहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अगर जो प्राइस इस स्विंग को भी काट के 35,300 और इसको 35,530 को कट करेगा एक साथ, देन वी कैन से कि अपना ट्रेंड लाइन भी टूट रहा है, एक छोटा सा स्विंग भी टूट रहा है, मतलब यहाँ पे दो तीन स्विंग है, और ये जो जोन है आपको प्राइस यहीं पे रजिस्ट करेगा, या तो एक ही कैंडल तोड़ देगा सब कुछ। आपको एक कैंडल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, आपको कितने कितने पॉइंट की मूव चाहिए? समवेयर अराउंड 750-800। तो मुझे लगता है कि इसी एक्सपायरी में ये लेवल टूटेगा। अच्छा, इस लेवल को टूटने के बाद आपके पास कौन सा अगला रेजिस्टेंस है? 36,462, मतलब 36,500 का लेवल पकड़ लो। इसके अलावा तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिखता है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्क्रीट ट्रेड था, जो हम लोग बार 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 बोल रहे थे, बट आई डोंट नो कितने लोगों ने लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और एंगल फिबोनाची एक्सटेंशन का, ठीक है? ये आप देखो लेवल कहाँ पे आ रहा है एक्सटेंशन। पहला तो आ रहा है 36,215, जो यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, और उसके बाद 0.75 को तो भाव नहीं देते हैं, यहाँ पे 100% आ रहा है। तो ये भी हो गया। अब ये भी देखते हैं कि यार इस डाउन मूव का, इस डाउन मूव की मैं बात कर रहा हूँ, इस डाउन मूव का 61 पॉइंट, देखिए मैं एक दो चीजों को बार बार घसीटता हूँ, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। टीए में टीएस बस, उसके बाद तो सारा साइकोलॉजी है, दो चार चीज की अंडरस्टैंडिंग एंड उसके बाद सब कुछ साइकोलॉजी।
तो आप देखो इसके ऊपर कल प्राइस जाएगा तो और भी ज्यादा प्राइस में स्पार्क आ जाएगा। तो हमें तो बस एक 35,100 के ऊपर टिकने की देरी है। आपको देखो मोमेंटम कैसे कैच करता है, जो आपको सुबह ही हो सकता है दिख जाए। तो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि हम लोग यहाँ तक तो आ ही रहे हैं, और इसके बाद अगर फटा प्राइस तो क्या हो सकता है, अगर इसको तोड़ेगा तो पहले इसको तोड़ने तक, यहां से यहां तक की राइड तो आप होल्ड कर लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल ट्रेड बना बैंक निफ्टी में, 2 बारी इट गेव यू ट्वाइस टू बाय एंड गेट इन टू द ट्रेड। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू टुक ट्रेड, बट दिस वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट 2 डेज इन निफ्टी। बस आपके साथ प्रेशर क्या होता है ट्रेडिंग टाइम में, सिर्फ और सिर्फ M2M का फ्लक्चुएशन ही आपका सबसे बड़ा प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। अगर आपने उसको हैंडल कर लिया तो ट्रेडिंग इज एज इजी एज, क्या बोलूं मैं, बहुत इजी है। तो ये था बैंक निफ्टी भी, और थोड़ा लॉन्गर टर्म अगर आप और जाओगे तो इसको मैं वीकली कर देता हूँ, थोड़ा सा एक एंगल ये भी देख ही लेते हैं। तो हम लोग अगर देखने की कोशिश करेंगे, मान लो इसको ऐसे हम लोग एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो दिखता है कि यहाँ से तोड़ के यहाँ तक आ सकता है। अब दूसरा अगर वो नहीं तो अगर हम और फिबोनाची एक्सटेंशन का समझने की वीकली पे कोशिश करेंगे तो आपको एक लेवल जो आता दिख रहा है वो आता है 0.5 का, यहाँ पे 39,000 और उसके बाद 41,000। तो देखिए मैं तो बहुत कंफर्टेबली इस बार राइड करने वाला हूँ, मेरी बाइंग कहीं इधर की है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा मेरा कुशन बढ़ता जाएगा और मैं आराम से फ्यूचर्स राइड करूँगा। और आपको भी इसी तरह लंबे ये स्कैल्पर स्कैल्पिंग छोड़ के बड़े बड़े मूव्स कैच करने की आदत डालनी चाहिए। सेम गोज विथ निफ्टी, निफ्टी का तो मैंने दिखाई दिया आपको। अच्छा निफ्टी में एक और चीज जो मैंने देखी थी, कहाँ देखी थी याद ही नहीं है मुझे, बट मोर और लेस यही है, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। कॉल सेल होल्ड, आपको क्या, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ। मैंने कॉल आज, आई थिंक नहीं, मैंने कॉल आज जैसे ही गैप डाउन हुआ था, फर्स्ट थिंग विच आई डिड इज कि आई कवर्ड ऑल माई कॉल, ऑल इंटायर कॉल सेल। आप ऐसे समझो ना, सपोर्ट पे सेल करना, रेजिस्टेंस पे, जैसे जब प्राइस सपोर्ट पे आ गया है तो मैं अपने कॉल सेलिंग से निकल जाऊंगा और पुट सेलिंग करूंगा ना। क्या क्या सर्च करते हो, क्या क्या सर्च किया भाई मैंने, ओ तो करना है। वो मेरा मीम, मीम इज माई फर्स्ट लव। OI डेटा पेटा नहीं आता है मेरे को सर, OI डेटा क्या है, प्राइस प्राइस जैसे जैसे मूव करेगा OI वैसे वैसे मूव करेगा। अभी सुबह आपको OI दिख रहा होगा, मान लो यहाँ पे OI दिख रहा होगा 15,700 पे, काफी ज्यादा। हाँ वही, मैं तो वही बोलूंगा। देखिए सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, बट मेरा मानना है कि जो सुप्रीम लीडर होता है ना, सुप्रीम लीडर जैसे अपने देश के हैं या फिर कहीं के भी सुप्रीम लीडर जो होता है ना, दैट इज प्राइस। आप सुप्रीम लीडर के पीछे भागो ना, आप ये चमचों के पीछे क्यों भागते हो। क्रूड मनीष जी सेल करेंगे, काफी अग्रेसिवली सेल करेंगे क्रूड को, लेकिन थोड़ा वेट करके कल हो सकता है आपको एक मौका मिल जाए क्रूड में। जो क्रूड का चार्ट कहाँ है भाई, क्रूड का आप देखो ना, और वो अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा क्रूड में, आना चाहिए, और वही ट्रिगर करेगा निफ्टी को 16,000 के पार ले जाने में, मुझे ऐसा लगता है। क्रूड तो अच्छी खासी सेल ऑफ आनी चाहिए। ONGC, देखिए मैंने लास्ट वेबिनार में भी बोला था कि आई एम अवॉइडिंग ONGC एज ऑफ नाउ, और मैं ONGC क्यों अवॉइड कर रहा था, मैंने चार्ट दिखा भी दिया था आप लोगों को, कि मैं दिखा भी देता हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ, बट एक लेवल टूटे ना फिर जाके मैं बाय करूंगा। पहला तो ये कि यहाँ पे कहाँ गया यार, इस ये आई थिंक ये एडजस्टेड नहीं है क्या, एडजस्टेड तो है, तो फिर मेरे चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ ONGC। ये स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को,
हाँ यहाँ पे प्राइस आया था, यहाँ पे हमने 125 के आसपास एग्जिट कर लिया था कि अब यहाँ पे सिर्फ छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड बचा है, अब इसको टूट तो जाने दो, उसके बाद बाय करेंगे, इसीलिए हमने वो किया था। अब देखिए ये वेबिनार सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैंने किया था, और अब रात काफी हो रखी है, और आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछिए, मैं ONGC, टाटा कंज्यूमर, टेक्स रेल ये सब जवाब नहीं देने वाला हूँ आपको। आपको इसी तरह कैंडल से बात करो यार, सब कुछ ईजी है। तो बिटकॉइन पढ़ी के बिटकॉइन देखेगा, बिटकॉइन उटकॉइन चलो ठीक है। आई थिंक मैं हो सकता है कल लाइव मार्केट, देखो कोई भी गैप डाउन आए कभी भी याद रखिए, अप ट्रेंड में कोई भी गैप, अप ट्रेंड में हर गैप, आपको मैंने एक दिन और बोला था कि गैप डाउन में आपको हमेशा ये ऑब्जर्व करना है कि गैप डाउन सपोर्ट पे हो रहा है गैप या खुल रहा है या सपोर्ट के नीचे खुल रहा है। अगर जो सपोर्ट के नीचे खुल रहा है तो फिर वो करेक्शन की शुरुआत हो सकती है, अगर सपोर्ट पे खुल रहा है तो हाई चांसेस इज कि आपको रिवर्सल आ जाएगा। अगर अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में उल्टा हो जाएगा। अगर आपको रेजिस्टेंस पे खुल रहा है तो सेल ऑफ आ जाएगा, अगर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है तो फिर एक रिवर्सल आता है। ये बहुत ही सिंपल है। अब तीसरी बात है जो बहुत लोग पूछते हैं, कैन आई बाय बैंक बीज बेस्ड ऑन दिस? अरे भाई बैंक बीज इसके बेसिस पे क्यों कर रहे हो, और जब डाउ टॉप टूटा था तब करना चाहिए था ना, हर 200 पॉइंट के पुल बैक पे आप मेरे से यही सवाल करोगे कि कैन आई बाय बैंक बीज? 200 पॉइंट का ही पुल बैक और 200 पॉइंट का ही टारगेट होता है क्या बैंक बीज को बाय और सेल करने का? मैं बाय सेल करता हूँ, मेरे बहुत सारे अपने अपने फंडे हैं, रूल हैं, मैं आपको देखना है कि आप किधर कंफर्टेबल हो। बैंक बीज बाय करके होल्ड करना पड़ता है, ETFs आर मेंट टू होल्ड नॉट टू ट्रेड एवरी सेकेंड डे, अगर करना भी है तो ऑन लार्ज वॉल्यूम अगर आप करोगे फिर जाके फायदा है, दैट्स इट। डाओ चार्ट मैं कभी नहीं देखता हूँ, इट्स यूजलेस टू सी डाओ चार्ट, रिमेम्बर दिस, इट्स यूजलेस। अगर आपको कुछ देखना है तो S&P देखो, फिर S&P बहुत सिंपल था, आप इसमें ये भी देखो, बहुत मतलब चीजें इतनी सिंपल है ये, और ये तो आपको इतने साल के प्रैक्टिस में समझ में आ जाना चाहिए था, ये आपका स्विंग था। ठीक है मैं इसके लो को लेता हूँ। अब देखो कल क्लोज मार्जिनल हुआ था इस डोजी के नीचे, मार्जिनल ये ही सिग्नल होता है यहाँ पे चांस लेने की बात होती है, कि जब मार्जिनल क्लोजिंग होता है ना वो एक फेक डाउन का सिग्नल देता है वीक ट्रेडर को, जो एकदम नट टू नट ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं अगर होता तो यहाँ पे भर के लॉन्ग भर के कॉल उठा के जाता, जहां मेरा रिस्क लिमिटेड है और रिवार्ड अगर सही हो गया तो अनलिमिटेड। सी दिस इज ये होता है, ऐसे आपको ट्रेड करना होता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक देख के देखोगे क्लोजिंग हो गई, बहुत लोग क्लोजिंग सेल्स के लिए आपको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए, याद रखिएगा आपको, अगर क्लोजिंग डजेंट मीन एनीथिंग अनटिल अनलेस यू सी अ फॉलो बैक कैंडल, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता इन सब चीजों का। चलो थैंक यू, आप में से जिसने भी रिकॉर्ड किया है वीडियो यू कैन शेयर इन ग्रुप, जो सो रहे हैं उनके लिए। SL पे SL कौन लेता है यार, मैं SL नहीं लेता हूँ, पीपल टेक SL एंड दे शुड टेक, स्टॉप लॉस की जरूरत होती है। यस जब कभी कोई चीज काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है तो मैं भी SL लेता हूँ, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली नहीं लेता हूँ, क्योंकि मार्केट है भाई, कभी भी सदमा दे सकता है, झटका दे सकता है। हाँ हेजिंग करके रखता हूँ, इसीलिए SL की इतनी वो नहीं पड़ती है। आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आपको लेना ही लेना है, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है किसी भी अनवांटेड न्यूज पे। मेरे अपने स्ट्रेटजी ये हो सकता है मैं बच जाऊंगा, आप नहीं बच पाओगे। तो अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्ग्यू करने बैठ जाओगे स्टॉप लॉस नहीं ले रहा है, सेबी को बुलाओ ये बुलाओ, अरे यार सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सेबी इतना बेकार थोड़ी बैठी है कि साला मेरा स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले रहा हूँ उसके लिए आ रही है, सेबी के पास और भी बहुत काम होते हैं। चलिए गुड नाइट ऑल।